सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस के अहम फैसले। ज़रा के मुताबिक तालीमी इदारों को सितंबर के पहले हफ्ते में सख्त SOPs के साथ खोलने पर इत्तफाक किया गया है। कॉन्फ्रेंस के फैसलों का नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कल सुबह जायजा लेगा। कोरोना वबा की शिद्दत के तनासुर में तारीखों में रद्दो बदल किया जा सकता है। यकुम सितंबर से पहले मजीद दो बैनुल सूबाई वज़राए तालीम इजलास भी बुलाए जाएंगे, ज़रा की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस के अहम फैसले किए गए हैं। तालीमी इदारों को सितंबर के पहले हफ्ते में सख्त SOPs के साथ खोलने पर इत्तफाक किया गया है। कॉन्फ्रेंस के फैसलों का नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कल सुबह जायजा लेगा। कोरोना वबा की शिद्दत के तनासुर में तारीखों में रद्दो बदल भी किया जा सकता है, ज़रा की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। ज़रा के मुताबिक यकुम सितंबर से पहले मजीद दो बैनुल सूबाई वज़राए तालीम इजलास बुलाए जाएंगे, उसके बाद ही हतमी फैसला किया जाएगा। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस के अहम फैसले हैं जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। तालीम इदारों को सितंबर के पहले हफ्ते में सख्त SOPs के साथ खोलने पर इत्तफाक किया गया है, जबकि ज़रा की जानिब से बताया जा रहा है कि कॉन्फ्रेंस के फैसलों का नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कल सुबह जायजा लेगा। कोरोना वबा की शिद्दत के तनासुर में तारीखों में रद्दो बदल भी किया जा सकता है। यकुम सितंबर से पहले मजीद दो बैनुल सूबाई वज़राए तालीम इजलास होंगे, जिसके बाद ही कोई हतमी फैसला किया जाएगा कि आया स्कूलों को कब खोलना है। फाइनल डेट उसके बाद ही तय की जाएगी। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस के अहम फैसले हैं जिसके हवाले से आपको बता रहे हैं कि ज़रा की जानिब से बताया जा रहा है। तालीमी इदारों को सितंबर के पहले हफ्ते में सख्त SOPs के साथ खोलने पर इत्तफाक किया गया है।